जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काफ़ी लोगों का ना पाई की केवाईसी का इशू आ रहा था, जिसमें मेरी भी टेस्टिंग केवाईसी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने अपना नेम जो है चेंज दिया था उस अकाउंट की। आज जो है हम केवाईसी मैं आपको चेक करवाऊंगा, यहाँ से पाई ब्राउज़र के अंदर आएंगे। तो सब लोग जो है अपना पाई ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ पर आप अपना केवाईसी जो है वो आप चेक करें। तो जिनका केवाईसी का जो भी इशू था वो जो है सोल्व इंशाल्लाह अभी जो है हो जाएगा, जो ही आप अपनी अपील जो है यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। सो मैं केवाईसी के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। और जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करके आल पे क्लिक करें। व्हाट्सएप चैनल भी मेरा लाजमी ज्वाइन कर लें, उसके अंदर ये सारी अपडेट्स छोटी बड़ी वहाँ पे शेयर हो जाती हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपको एक पहले बॉक्स आता था रिव्यू इन प्रोग्रेस का, अब आता है केवाईसी इज़ नॉट अप्रूव्ड डिफरेंट अकाउंट नेम, और यहाँ पे जो है जो भी आपका मसला होता है वो यहाँ पर लिखा होता है। मेरा जो है अभी मैं चेक कर रहा था तो मेरे नाम चेंज का जो है इशू आ रहा था, तो मैंने जो है इनको अपील सबमिट कर दी है। आपने अपना जो है ओपन करना है अकाउंट और उसमें देख लेना है जो भी आपका इशू आ रहा हो, आपने उस मसले को यहाँ पे जो है सबमिट करना है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती यहाँ पे तो इंग्लिश में यहाँ पे सबमिट करना होगा ना। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती आप उर्दू में लिखें, अगर उर्दू में लिखना भी नहीं आता तो उर्दू में जो है वॉइस करें, उसमें जो है ऑटोमेटिक मोबाइल ख़ुद लिखता जाता है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप के ऊपर आ चुका हूँ। ऐसे जैसे मैसेज टाइप करते हैं ऐसे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक आपको जो है ऑप्शन मिलता है, जब आप जो है यहाँ पे, यार ये क्या हो गया, ये जो हम ये ज़ीरो के ऊपर देखें एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है माइक वाला ना, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो अभी जो है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है स्क्रीन की ना, यहाँ पर क्लिक करके आप बोलेंगे। जो ही आप बोलेंगे तो बोलने के बाद जो यहाँ पे आप जो बोलेंगे, यहाँ पे आपने एक तो लैंग्वेज जो है वो आपने यहाँ पे जो इंग्लिश है वो इंग्लिश से आपने उर्दू कर लेनी है, एक इंग्लिश से आपने उर्दू कर लेनी है। फिर यहाँ पे ये यहाँ पे आपने अपनी वो इंग्लिश यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, पेस्ट करने के बाद अपील अपनी सबमिट कर देंगे तो आपकी केवाईसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह 14 दिन का टाइम देंगे, तो उम्मीद है कि वो पास हो जाएगी। जो रीसेंड का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जो आपके डाटे के अंदर मसला आ रहा था वो आप अपना डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो भी मसला है वो ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।